ये था उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर। प्लान चेंज हो गया है, अभी जा रहे हैं हम लोग पदमपुर। भाई के पास बहुत पैसा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। और आज एक जगह घूमने जा रहे हैं, बट कौन सा जगह जा रहे हैं डिसाइड नहीं हुआ है, वो रास्ते में हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी 6:30 हो चुका है, मैं उठ गया हूँ, ब्रश व्रश करके रेडी हो गया हूँ, और मेरे दोस्त लोग भी आने वाले हैं, तो मैं अभी घर से निकलता हूँ और वहाँ पर जाके ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, थोड़ा सा बारिश हो रहा है, वो लोग आ चुके हैं वहाँ पे हैं। अभी हम निकल चुके हैं और आज हम जा रहे हैं नीलू के कार में, और पीछे बिमलो, धीरज और सिपुन। और आज हम जहाँ जा रहे हैं डिसाइड नहीं हुआ है, आगे हम बरगढ़ पहुँच के आप लोगों को बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। अभी हम हमारे गाँव से निकल चुके हैं। पेट्रोल डन, अभी हम निकलते हैं यहाँ से, बरगढ़ पहुँच के अच्छे से नाश्ता करते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे, पाइक माल तरफ जाएंगे या छत्तीसगढ़ सोहेला तरफ जाएंगे। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा तावेरा में रुके हैं। हम लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, और अभी भी बारिश हो रहा है। अभी थोड़ा इडली खा के यहाँ से निकलेंगे। अभी ब्रेकफास्ट हम लोगों का कंप्लीट हुआ है, निकल रहे हैं, बारिश बहुत हो रहा है। ये मौसम की बारिश की जाए, कुछ भी बारिश की जाए। अभी थोड़ा रिव्यू लेते हैं, इडली जो खा गया है इसको कैसा लगा? टेस्ट बढ़िया था, टेस्ट वाइज आंध रहा, क्वांटिटी संबलपुर से थोड़ा कम है, टेस्ट एक नंबर है, बस टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज। हां टेस्ट बढ़िया है, सीम्स लाइक आंध रहा, मैंने कांच पन्ना है वैसे। विकास, मेमोरीज ब्रिंग बैक, मेमोरीज ब्रिंग बैक। अभी हम बरगढ़ बस स्टॉप पे हैं, थोड़ा सा चावलवाड़ा खाएंगे, बर्गर फेमस चावलवाड़ा, और उसके बाद सेकंड ब्रेकफास्ट हम लोग का कंप्लीट, और हमारा प्लान हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं शिशुपाल पर्वत, तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। बेटे मौज कर रही। अभी हम लोग बस स्टॉप से ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं, अभी जाएंगे शिशुपाल पर्वत, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर में है, तो अभी हम बस स्टॉप से निकल रहे हैं। कोई भी छत्तीसगढ़ जा रहे हो तो यहाँ पे टेस्ट करवा के जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग का प्लान चेंज हुआ, अभी जाएंगे पदमपुर, चलते हैं। और क्या, वी नीड डबल डोज, लेट्स गो। ये था उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर, अभी प्लान चेंज हो गया है, अभी जा रहे हैं हम लोग पदमपुर। वैसे भी हम लोग पूछे वहाँ पे कि शिशुपाल में पानी नहीं आ रहा है अच्छे से, इसलिए हम लोग चेंज किए। वैसा कुछ 150 रुपया का बात नहीं है, वैसा मत बोलना, भाई के पास बहुत पैसा है। अरे ऐसा नहीं है। अभी देखो आगे देखो, अभी रास्ता बड़ा बढ़िया है, पदमपुर जाएंगे यहाँ से, और हम लोग जहाँ जाने वाले थे ना वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आता, क्या फायदा, सुबह से उठ के आए हैं और पानी नहीं होगा तो क्या जाके जाएंगे, अगर खाली रास्ता देखेंगे जाके जाके कुछ फायदा नहीं, लेकिन पानी नहीं आ रहा, तो इसीलिए हम लोग आगे जाएंगे, इधर से पदमपुर तरफ जाएंगे। आज हम जा रहे हैं कोठीखोल वाटरफॉल, ये बरगढ़ का हिडन वाटरफॉल है। गांव का नाम क्या है धीरज? गंजागुड़ा। और ये गांव के बाद वो लोकेशन आएगा, तो वहाँ पहुँच के आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे, वाटरफॉल का मजा भी दिलाएंगे आप लोगों को, क्या बोलते हैं पब्लिक, मचाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुके, बहुत अच्छा व्यू मिला हम लोगों को, इसलिए आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ मैं, और ये व्यू देख के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना,
और ये कुछ टाइप का हमारा होतापाल जैसा है, मिनी होतापाल। क्या बोल रहे हो? एक नंबर। यहाँ से तो कहाँ जाना है हम लोगों को भी पता नहीं है, देखते हैं यहाँ के गांव वाले से पूछेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। और अच्छा बात ये है यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है। डिस्कस कर रहे हैं कार रखना है यहाँ पे या नहीं रखना है, डिसाइड करेंगे उसके बाद यहाँ से हम वाटरफॉल चल चल के जाएंगे। जिस वाटरफॉल जा रहे हैं वहाँ तक तो रास्ता नहीं है कार लेने का, इसलिए कार यहाँ पे पार्क किए हैं। और बारिश हो रहा है तो मैं रेनकोट पहन लिया हूँ, घर से प्लानिंग करके आया था बारिश होगा बोल के, पता था मेरे को इसलिए लेके आया था, अभी पहन लिया हूँ। और ये रास्ते में 1.5 किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद हम लोगों को वो वाटरफॉल मिलेगा। एक्चुअली सब रेनकोट लाए हैं, बस नीलू ही नहीं लाए, तो उसके लिए थोड़ा सा छाता ढूंढ रहे हैं, मिलेगा तो लेंगे नहीं तो ये रास्ते में आगे बढ़ जाएंगे। और नीलू का छाता मिल चुका है। वे टू एक्सप्लोर हिडन वाटरफॉल। अभी हम जंगल के बीचों बीच रास्ते की तलाश में, सामने सिपुन और बिमलो। मैं चला शहर से दूर। एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखो, खेत के बीचों बीच एक पेड़ है और उसको अभी तक हटाया नहीं गया है, देख के बहुत अच्छा लगा। और वो सब चीज़ अभी हम संबलपुर में कहाँ देख रहे हैं, सब ट्रैक्टर नहीं तो पावर टिलर। और इधर राइट साइड में पहाड़, वो भाई साहब क्या भयो। अभी हम घने जंगल के बीचों बीच, सामने हमारा बिमला प्रधान और मेरा थोड़ा फेस देख लो। हाय। और यहाँ पे भी एक रास्ता है, आप लोग ये रास्ता फॉलो करके आओगे तो अच्छे से आ पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा वो गांव वालों से पूछ लेना, आप लोगों को बता देंगे, बहुत हेल्पफुल है गांव वाले। पानी का सोर्स तो मिल चुका है हमको, ये पानी के सोर्स से हम लोग जाएंगे तो वाटरफॉल जल्दी पहुँच सकते हैं। और फिर जंगल से घुसेंगे, फिर निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे क्या पता, बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोग पानी के सोर्स से जा रहे हैं, फुल स्ट्रगल हो रहा है हम लोग का, वाटरफॉल ढूंढने के लिए कुछ भी करेंगे। आज जो उसमें आ चुके हैं, आज 4 बार के रहेंगे, यस 6 बार। और पीछे नीलू और सिपुन। तो कुछ इस टाइप का है, बाद यहाँ पे चलने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। फाइनली 4-5 किलोमीटर आने के बाद वाटरफॉल मिल ही गया हम लोगों को, ऊपर सिपुन। मैं ऊपर जाके आप लोगों को अच्छे से व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से सीढ़ी है, सीढ़ी से फिर ऊपर चढ़ना है, यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना है और ऊपर का वाटरफॉल आप लोगों को दिखाता हूँ। उधर बीचू और नीलू वाटरफॉल, क्या लग रहा है, ये एक अलग ही दुनिया है भाई साहब। ये बहुत अच्छा लोकेशन है, आप में से कोई भी आना चाहते हो तो आओ, बट 3-4 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा, पहले से बता दे रहा हूं मैं। अभी हम लोग आए एक ढाबा में, खाएंगे थोड़ा सा और वाटरफॉल से तो आ चुके हैं। ये है हम लोग का मील, जो मिलेगा सब चल जाएगा आज। अभी हम लोग का लंच कंप्लीट हो गया है और अभी हम रिटर्न घर जा रहे हैं। अभी हम लोग संबलपुर रिटर्न आ चुके हैं, अभी बुल्ला में थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे इधर, उसके बाद रिटर्न घर जाएंगे। और आ गया हमारा कोल्ड कॉफ़ी। हम लोग समरपुर पहुंच चुके हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। जय मां सोमलेट, टिल देन ओके बाय।